ऐसे ही बैठे रहेंगे? हम भी तो नहीं छोड़ेंगे। और ये हमारे ऊपर ये सारी चीजें ना लाए तो ही बेहतर है। हम लोग शांति चाहते हैं, हम किसी की प्रार्थना को हम लोग बंद नहीं करना चाहते या उसके खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि मस्जिदों के ऊपर जो लाउडस्पीकर लगाए हैं, जो इलीगल है, देश भर में इलीगल है, वो हम निकालें। और जो मस्जिदों के जो मौलवी है, जो कुछ मुस्लिम है जो है, उनको अगर लगता है कि उनका धर्म इस देश से बड़ा है या कानून से बड़ा है, तो वो तो है नहीं। राजी, यस्टरडे इन दिल्ली प्रोसेशन हो रहा था हनुमान जयंती पे, और स्टोन पेंटिंग हुआ वो प्रोसेशन पे, उसको राष्ट्रपति, मुझे लगता है उनका ऐसी चीजों का जवाब वैसे ही देना चाहिए उन लोगों को, अदरवाइज उनको समझ में नहीं आएगा। सर, आपने जिस तरह से आज बात रखी, कई देश भर के हिंदुओं से एक रिक्वेस्ट की है, क्या आपने? मैंने इस देश के सारे जो देशभक्त हिंदू जो है, उनको सिर्फ मेरा यही कहना है कि 3 मई तक हम लोग रुके, और 3 मई के बाद देश भर की हर एक मस्जिद, जो लाउडस्पीकर नहीं निकालेंगे, हर मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा लगाए, वो 5 बार अगर नमाज पढ़ेंगे, 5 बार अगर वो अजान देंगे, तो हम लोग 5 बार उनके बाहर हम लोग हनुमान चालीसा लगाएंगे। बट होम मिनिस्टर हैज सेड कि लाउडस्पीकर लगाना इलीगल नहीं है, डेसिबल लेवल कम होना चाहिए। देखिए, अगर मैं मेरी अगर पॉलिटिकल रैली लेता हूं, अगर उसमें अगर लाउडस्पीकर लगाना है, मुझे भाषण करना है, तो पुलिस से परमिशन लगती है ना। तो इनको रोज ये 5 बार अगर ये अजान देते हैं, जो भी कुछ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो इनको परमिशन कौन देता है रोज? अगर हम लोग गणपति का त्योहार होता है, नवरात्रि का त्योहार होता है, उस वक्त हमें परमिशन लेनी पड़ती है लाउडस्पीकर की। ये कब मांगते हैं? अब मुझे लगता है कि ये इनफ इज इनफ, बहुत हो गया। ये आज तक सब लोग बर्दाश्त करते आए हैं, और मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज को ये भी समझ में आना चाहिए कि ये कोई धार्मिक इशू नहीं है, ये सामाजिक इशू है। इसमें ना मस्जिदों की कोई बात आती है, ना उनकी प्रार्थना की कोई बात आती है, ना और कुछ आता है। बात है सिर्फ लाउडस्पीकर की, पर मुझे लगता है लाउडस्पीकर की कोई जरूरत नहीं है। बोरी समाज जो है, बराबर है, वो जब उनकी है ना, तो इनको रोज ये 5 बार अगर ये अजान देते हैं, जो भी कुछ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो इनको परमिशन कौन देता है रोज?